गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। मम्मी पीछे चाय बना रही है, अब जाएंगे हम लोग सवेरे सवेरे डेरा, क्योंकि डेरा पे है बहुत सारा आज काम। इधर चाय बन गया है, डेरा पर सब मकई छिला गया है, बाहर में धूप भी हो गया है बहुत ज़्यादा। अब जा रहे हैं डेरा, पूजा पाठ कल भी हो गया है भूमि का, आज से काम भी शुरू हो जाएगा। मम्मी चलो। यहाँ पप्पा गाय को रगड़ रगड़ के उधर धो रहा है, और जो भी मकई खेत से कटा के आया है तो मम्मी सब लेबर को बैन इधर अपना दे रही है। खाना बन गया, हमको भूख लग गया, मम्मी जल्दी बनाओ खाना, कल तो हम खाए भी नहीं है। बाप रे, कितना झूठ बोले था। क्या बन रहा है? रोटी भुजिया, आलू परवल का भुजिया और रोटी और चावल और आलू चना का सब्जी, इतना चीज बन रहा। मम्मी लड्डू है तो लड्डू दे दो हमको, लड्डू खिलाओ हमको मम्मी, भूख लग गया है। खाना भी अभी तक नहीं बजा है, 9 बज गया है, खाना पीना का कोई पता नहीं है। ये वो लड्डू खा लेते तो भूख लग गया है। आज बहुत काम है मम्मी, आज पता है ना तुमको, आज बहुत सारा काम है, बहुत ज्यादा काम आज है। दही जम गए, अच्छा दही जमर, खाना रखो जो जल्दी, बहुत काम है। खाना रखा रहा पप्पा का, दादी का, तब तक हम मम्मी कपड़ा भी धोना है, आज आएंगे तो कपड़ा भी, कपड़ा उपड़ा सब साफ करना है। यहाँ पर आज से घर का काम शुरू हो गया है, जितना भी ईंट रखा हुआ वो सब कॉलम है, एक एक कॉलम, और यहाँ पर जो कॉलम है उसमें मिस्त्री साहब जो है अपना सभी में अपना अपना चिन्हासी दे रहे हैं और अपना अपना सब मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि सब मार्किंग करना बिल्कुल ज़रूरी है, और ये सब मार्किंग कर लेंगे तो फिर अच्छे से गड्ढा खोदने में सही होगा। तो वही जो मिस्त्री हमारे हैं, और ये बगल में मेरा दोस्त जो इंजीनियर है, जो इस घर का नक्शा बनाया है, वो भी यहाँ पर खड़ा है, काम करवा रहा है। काम करवाने के बाद दोनों आ गया मटन खाने के लिए, हम लोग सबको यहाँ मटन खा रहे हैं। खाओ खाओ, सब दबा के खाओ, मटन खा रहा, ये सब मटन उतना नहीं खा रहा, पता नहीं लोग को क्या शर्म लग रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे जो बचा हुआ था चूना उसको भी गिरवा रहे हैं, पूरा चूना चारों तरफ मार्किंग जितना है पीलर वो मार्किंग हो रहा है पूरा में, और पूरा चूना जो थोड़ा बहुत गहरा करके चूना गिरवा रहे हैं कि अच्छे से दिखे, थोड़ा थोड़ा ही चूना गिरा था। और अब यहाँ पे आ गए हम लोग छड़ खरीदने के लिए, इस दुकान से हम लोग छड़ खरीद लेते हैं, यहाँ से छड़ खरीद करके उसको फिर रख देंगे, और यही ट्रैक्टर पर लोड होकर छड़ फिर आज घर जाएगा और वहाँ उतार लेंगे, और ये बड़ा सा ट्रक आ रहा है उधर से। ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगले दिन।